पढ़ेंगे आज संयुक्त अक्षर। कौन से पढ़ेंगे? संयुक्त अक्षर। संयुक्त मतलब होता है कई अक्षर मिलके एक अक्षर बनता है। हाँ। कई अक्षर मिलकर तो देखो कौन से संयुक्त अक्षर हैं। हमारी जो वर्णमाला है जो हमने छोटा बड़ा पढ़ी है उसमें से हाँ ये छा है। क्या है तुम्हारा? ये छा छा ये संयुक्त अक्षर है। त्रा क्या है? त्रा से त्रिशूल। ये संयुक्त अक्षर है। ये ग्या 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 ये क्या है? संयुक्त अक्षर है। श्रा ये सब संयुक्त अक्षर है। देखो अब देखो ये छत्री वाला छा छा जो है ये आधा का। ये कौन सा का है? आधा का और सा पटफर्री वाला सा षटकोण वाला आधा का और सा मिलाओगे तो क्या बनेगा? छा। आधा का और सा मिला के क्या बनता है? छा। छा से छत्री। इसी प्रकार देखो आधाता आधाता ये क्या है? ये जो हलंत लगा है ये अक्षर को आधा कर देता है। मतलब आधाता और ये रा जब आधाता और ये रा हम मिलाएंगे तो हमारा बनता है त्रा। क्या बनता है ये? त्रा। आधाता और रा मिलके बनता है त्रा। त्रा माने त्रिशूल वाला त्रिशूल त्रा बनता है। तो ये त्रा किससे मिलके बनता है? आधे ता और रा से। रा पूरा है आधा नहीं है। रा पूरा है बनके त्रा बनेगा। क्या बनेगा? त्रा बनेगा। ठीक है आगे देखो ग्या ग्या आधा जा ये आधा जा और ये हम इया मिलाएंगे। क्या मिलाएंगे? इया तब हमारा बनेगा ये आधा जा। क्या बनेगा तुम्हारा? आधा आधा जा और इया जब हम मिलाएंगे तो हमारा बनेगा ग्या। क्या बनेगा? ग्या। तो ये आधा जा है और इया जोड़ेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? ग्या। हाँ ग्या से ज्ञानी। उसके बाद देखो आधा सा आधा सा और रा आधा सा और रा मिलाएंगे तो हमारा बनेगा श्रा। क्या बनेगा? श्रा श्रमिक वाला श्रा बनेगा। ये आधा सा ऐसे और प्लस रा जोड़ेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? श्रमिक वाला सा। तो समझ में आ गया ये।